अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे और आपके बर्ड्स भी अच्छी ब्रीड कर रहे होंगे, हेल्दी होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों की हेल्प करना है, क्योंकि मैं ख़ुद काफ़ी दिनों से परेशान था इस हवाले से कि सीड की वेस्टेज मेरे पास बहुत ज़्यादा हो रही थी। सीड्स बहुत एक्सपेंसिव हैं और हमारी कोशिश होती है कि बर्ड्स को अच्छे से अच्छे सीड्स दें ताकि वो अच्छे से अच्छे रिजल्ट दे सकें, लेकिन जब सीड्स आप देखा जाए 30% 40% सीड जब वेस्ट हो रहा हो, बावजूद इसके कि वो रिफ़्रेश भी कर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी वो क्वालिटी नहीं रहती जो फ्रेश सीड्स की होती हैं। तो सीड सेविंग के हवाले से जो है मैंने अपने एंड से पूरी कोशिश रखी हुई थी, जबकि के पॉट्स भी बड़े साइज़ के लगाए हुए थे और सीड हॉपर्स भी लगाए हुए हैं, जिन जोड़ों के चिक्स निकल आते हैं उनको सीड हॉपर्स भी इस तरह के लगाए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सीड वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रही थी, ये आप देख सकते हैं। और ग्रोथ बच्चों की अच्छी हो रही है, लेकिन सीड वेस्टेज जो है ये बहुत ज़्यादा होता है, इसको मशीन से गुजारना पड़ता है और प्रोसेसिंग में बहुत टाइम लगता है। तो इसका जो मैंने रिज़ल्ट निकाला, इसके रिज़ल्ट में मैंने जो है ये सोल्यूशन निकाला, ये हॉबीज़ का सीड हॉपर है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बहुत अच्छे साइज़ में है, बिगेस्ट साइज़ कह सकते हैं पाकिस्तान में सीड हॉपर का अभी यही अवेलेबल है। और इसको बेसिकली ये है लवबर्ड के लिए, लेकिन मैंने ये सीड हॉपर्स लिए और यूज़ करने के बाद जो मुझे इसमें थोड़ी सी कमी फील हुई वो थी एक स्टिक की, जिस पर बर्ड बैठ कर आराम से दाने की रेंज तक अपनी बीक ले जा सके और दाना खा सके। लेकिन इसमें कोई स्टिक ना होने की वजह से इसमें मैं ये ख़ुद ये सेटिंग कर रहा हूँ, ये फ़ाइबर शीट का ब्रोकन पीस है जिसको हमने ऑप्टिमम साइज़ में बनाया है ताकि ये आराम से केज के अंदर भी जा सके और बर्ड इसमें बैठकर सीड्स खा सके। क्योंकि होता यह है कि जब ये इस तरह की स्टिक नहीं होती तो बर्ड हर हाल में उसको अंदर घुसने के बाद ही खाना है, वो पूरा बर्ड अंदर जाएगा, अपने पैर भी अंदर लेकर जाएगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में खाने के बजाय वो अंदर तिरछी डायरेक्शन में बैठ के दाना खाता है, जिसकी वजह से उसके पैरों से भी, उसकी दुम की मूवमेंट से भी और वापस उड़ने की जो जम मारता है उसमें भी दाना वेस्ट होता है, बिन में बहुत ज़्यादा दाना आता है। तो आप ये देख सकते हैं ये स्टिक भी हमने इस तरह से कट कट करके लगा दी है इसमें, और इसको जो है कट स्टिक को फिक्स करेंगे। कोई और सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं आप स्टिक फिट करने का, मकसद यही है कि एक जो जावा है, हम लोग जावा में यूटिलाइज़ कर रहे हैं अभी, तो इसकी जो है लेंथ इतनी हो कि जावा के बर्ड फिंगर से लेके उसके पैरों से लेके उसकी चोंच तक के डिस्टेंस कवर कर सके। तो ये आप देख सकते हैं ये एकदम ऑप्टिमम लेंथ है जिसमें जावा ईजिली बैठ कर आगे दाना उठा सकता है और इससे वेस्टेज भी कम होगी क्योंकि बर्ड अंदर नहीं घुसेगा। ये देखें, इस तरह से हमने हर केज के अंदर के साथ साथ हमने फिट कर दिए अपने सीड हॉपर्स, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है मुझे इसका, और मैं आपको दिखाता भी हूँ, बर्ड इसमें सुकून से स्टिक पे बैठा हुआ है और वर्टिकल डायरेक्शन में होते हुए सीड्स उठा रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।